हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। सो गाइस, मैं रीना खत्री आप लोगों को तहे दिल से एक बार फिर से हमारे इस चैनल और रिएक्शन में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सो वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। सो गाइस, आज और एक और धमाकेदार सॉन्ग पे रिएक्शन वीडियो लेके आ चुकी हूँ मैं। गाने का नाम है शिकायत बाय निमृत मैम, उनके द्वारा गाया गया है शायद गाना, वो तो यू नो हम क्रेडिट्स में देखते ही है, या फिर उन्होंने एज अ एक्टिंग मतलब की है सॉन्ग पे, वो तो पता लग जाएगा। तो बाय निमृत मैम, मैंने इतना मुझे इतना पता है, लेकिन सो देखते कैसे क्या शिकायत रहती है, किससे शिकायत रहती है, किस प्रकार शिकायत रहती है, वो तो हमें शिकायत सॉन्ग में जाके ही पता लगेगा। तो देखते हैं, देखना काफी वैसे इंटरेस्टिंग होने वाला है। और निमृत मैम वॉज फेवरेट यू नो वो वाला गाना ना उनका मनकृत सर के साथ है एक गाना उनका, अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा, वैल छंड दो ऐसा कुछ सॉन्ग है, मतलब सॉन्ग का मुझे नाम याद नहीं आ रहा, बट एनीवे दैट्स नॉट अ पॉइंट। तो फटाफट बढ़ चलते हैं वीडियो की तरफ। अगर आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दो, प्लीज 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 कर दो। एंड या ओरिजिनल वीडियो का लिंक इन डिस्क्रिप्शन एज यूजुअल यू कैन नो। तो फटाफट बढ़ चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं किस तरीके की शिकायत की है निमृत मैम ने इस सॉन्ग के दौरान। तो देखते हैं, ऐसे नाम काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, देखते कैसे क्या कंसेप्ट रहने वाला है, देखना काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है, लेट्स गो। सो तो चलो गाइस, फटाफट करते हैं वीडियो स्टार्ट। हैशटैग ट्रेंडिंग 9 भी चल रही है वीडियो जिस टाइम मैम बना रही हूँ। ओके, सिंगर निमृत मैम, ओके मतलब निमृत मैम ने ही मतलब सिंगिंग किया है इसके अंदर। लिंक्स बाय रोनी अंजलि एंड ग्रिल, ओके एंड म्यूजिक बाय देसी ग्रू। पहले बहुत सारे मतलब जो बढ़िया फेमस सॉन्ग्स रहे हैं ना, उसमें म्यूजिक दिया है देसी क्रू वालों ने। एक उनकी वो लाइन होती है ना, देसी क्रू एंड दिस वाज अ वाइब यू नो। वीडियो बाय ट्रू मेकर्स एंड लेबल्ड बाय ब्राउन स्टूडियो। सो लेट्स सी हाउ द सॉन्ग शिकायत बाय निर्मित कैरा। ओके, देखते हैं फटाफट, लेट्स सी। हरविंदर संधू, होर घर परिवार सब ठीक ठाक? सब बढ़िया, तू दस? बस बढ़िया। अच्छा, मैं तेरे ना एक गल करनी सी। कल मैं पाजी नू रेस्टोरेंट च वेख्या सी, मैनू लगता है किसी कुड़ी नू मिलना है सी। ना ना, मेरी तो उन्होंने गल रही है, बड़े बिजी सी के कल ऑफिस सी के ना। वैसे तू माइंड ना करी, सारे ऑफिस दा ही बहाना ला के जांदे हुंदे आ। शिकायत समझ गया, हम कहां से होने वाली शिकायत है, देखते हैं। सोनिया
एक ही चीज मेरे दिमाग में आई, व्हाट अ क्यूट सॉन्ग, मतलब कितनी मतलब प्यारी सी तो लाइंस थी इसकी और कितने यू नो प्यारे से लिरिक्स और कितनी प्यारी सी यू नो ट्यूनिंग। मैंने कहा था देसी क्रू का यू नो काम म्यूजिक में, मतलब म्यूजिक वाज अमेजिंग। अरे वो टाइम मैम कितनी प्यारी सी आवाज है, एंड यू नो ये नहीं था ये लोग ज्यादा ही फॉरेन वाइब है मतलब कुछ ऐसी है, नहीं बिल्कुल स्वीट सी है ना। इसमें गिद्दा भी किया इन्होंने हल्का हल्का, वैसे मैंने गिद्दा है ना स्लो गाने में पहली बार ही देखा है क्योंकि गिद्दा वॉज मतलब बहुत एनर्जेटिक डांस फॉर्म होती है भैया, लेकिन मतलब क्यूट थी यार वीडियो, मुझे पसंद आई। आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अमेजिंग Guys, this is a video shikayat by Nimrat ma'am, an amazing song. What a sweet voice and what a video. Cute si, pyari si, smoothing si song bhi and uski video bhi. I hope aap logo ko achhi lagi hogi. Mujhe to bahut achhi lagi. That's for you know. फेवरेट सॉन्ग ये आई क्यूट सा सॉन्ग है, ऑफ कोर्स है मतलब अच्छा लगा मुझे ना, ऐसे कानों को ना आराम पहुंचाने वाला, एक एक लिरिक्स एक एक बात ऐसे आराम आराम से समझ में आ रही थी। मतलब बहुत सारे पंजाबी सॉन्ग्स में ना ऑल ऑफ द मोस्ट ऐसे रहता है फटाफट फटाफट फटाफट, वो सुनने में तो अच्छा लगता है लेकिन कई बार समझ में नहीं आते हैं क्या क्या ही बोल गए वे लेकिन इसमें ऐसा नहीं था ना, एक एक लिरिक्स का भी अच्छे से समझ में आ रहा था कि हाँ भाई कि सामने वाला क्या डिलीवर करना चाहता है। मुझे तो बड़ा पसंद आया और भाई ड्रेसेस आए, सूट सलवार मेरे फेवरेट है। देखो ठीक है मैं यहाँ पे कोई मतलब ये नहीं कह रही कि जींस टॉप का नहीं, सब बढ़िया है लेकिन सूट सलवार मुझे ज्यादा पसंद है। आई मीन और वो मतलब जो निमृत मैम का जो टेस्ट है ना सूट सलवारों में, दिस वाज एपिक यू नो, किसी का नहीं हो सकता इतना बढ़िया मुझे लगता है क्योंकि उनकी ड्रेसेस देखने लायक होती है एंड दिस वाज अमेजिंग। और एक सूट सॉन्ग भी है उनका, उसमें भी उन्होंने ना इतने सारे सूट पहने थे अलग अलग टाइप के ना, देख देख वो भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहता है लड़कियों के लिए। निमृत मैम के सॉन्ग एक ये भी मतलब अट्रैक्शन का ज्यादा केंद्र रहता है उनकी ड्रेसेस फॉर, बिकॉज मतलब कैसे वो खुद को कैरी करती है, दैट वाज अमेजिंग एंड सॉन्ग वाज स्वीट एंड क्यूट, मजा आया भाई गाना सुन के। इफ यू लाइक एंड एंजॉय द वीडियो देन लाइक शेयर सब्सक्राइब ऑल्सो माई चैनल, कीप सपोर्टिंग गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते अगली धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गाइस गुड बाय।